इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। छत्तीसगढ़ विधानसभा की शुक्रवार को ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है। विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण का नया अनुपात तय करने वाले विधेयक पेश करने वाले हैं। इसी के साथ विधानसभा एक संकल्प भी पारित करने जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा कि वे आरक्षण कानून को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करें। तय योजना के मुताबिक शुक्रवार को कार्यवाही के दूसरे हिस्से में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लोकसभा और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए संशोधन विधेयक 2022 को पेश करेंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थान संशोधन विधेयक को भी पेश किया जाना है। सत्ता पक्ष विपक्ष की चर्चा के बाद इन विधेयकों को पारित कराने की तैयारी है। आज मैंने आरक्षण के मुद्दा उठाया, देख रहे हैं उनके पास है भारतीय जनता पार्टी वाले, उन्हें मैं सही समय में ठीक समय लागू होकर फिर कानून अगर बनाते तो आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन कांग्रेस की पार्टी जो संविधान लागू करे और संविधान में आदिवासी जब तक जनसंख्या है बेगर हिसाब से आरक्षण मिले, अनुसूचित जाति में जब तक जनसंख्या है बेगर हिसाब से आरक्षण मिले, मंडल कमीशन है पिछड़े वर्ग 27% आरक्षण के बात करे, सरकार ईडब्ल्यूएस में भी आरक्षण देख फैसला करे, कल ऐतिहासिक दिन ही छत्तीसगढ़ के सबो वर्ग आदिवासी 32%, अनुसूचित जाति 13%, 4% अपर क्लास 27% पिछड़ा वर्ग प्रस्ताव पारित हुई विधानसभा।